What's up everybody, this is Dikshan Jitaran, welcome back to our channel Exotic DC. और बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, मुझे ध्यान है पीछे पीछे अपने पूरा घर बन गया इतने टाइम में यार, पूरा घर बन गया एक पीछे. और खैरली हमारा घर से बहुत ऊपर हो गया और अब पतंग उड़ाने का कोई मतलब नहीं, मतलब हवा बिल्कुल नहीं आएगी और अगले साल का पतंग वाला प्लान कहीं और किसी के घर पे देखना पड़ेगा. तो नई रॉयल एनफील्ड की 350 मीटियोर लॉन्च हो गई है और उसकी जो प्राइस पॉइंट और जिस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हुई और जैसे उसके फीचर्स वगैरह ना ओके है, बट वाइब्रेशन भी बहुत है उसमें ऐसा सुनने में आया उसके रिव्यूज़ में. सेगमेंट में जिस प्राइस पॉइंट पर वो लॉन्च हुई है उसी प्राइस पॉइंट पर बुलेट भी है और हिमालयन भी है. सो जो बाइक है वो 1,75,825 रुपीज़ में ऑन रोड एक्स शोरूम पे आ रही है. सो जो बाइक है वो 349 सीसी की है और इसके अंदर जो बाइक है वो 3 वेरिएंट्स के साथ आ रही है, एक फायरबॉल, स्टेलर और एक सुपरनोवा मॉडल के साथ आ रही है. काफ़ी कुछ इंप्रेसिव है, अगर हो सका तो इसकी एक टेस्ट ड्राइव भी लेंगे जल्द ही. और जो मॉडल के साथ साथ है उसके प्राइस पॉइंट भी अलग अलग है. सो जो टॉप मॉडल है वो ऑलमोस्ट 1,90,000 रुपीज़ का है और इसमें जो बाइक है वो 20.2 BHP प्रोड्यूस करती है 6,100 RPM पे और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है 4,000 RPM पे. 15 लीटर्स का टैंक है इस बाइक में और काफ़ी कुछ इम्प्रेसिव है. थोड़ी बहुत है ना BHP इंक्रीज होनी चाहिए, जवा इस बेस में आती है 349 cc में ही आती है, बट है ना उसकी जो पावर डिलीवरी है और जो उसका BHP है काफ़ी मच इम्प्रेसिव है रॉयल एनफील्ड से. ऑल द लॉन्ग ड्यूल चैनल ABS भी है इस बाइक में, तो कुछ लिटिल बिट इम्प्रेसिव है रॉयल एनफील्ड, कुछ बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर रही है लगातार बाइक लेके आ रही है. तो ये बाइक भी हो सकता है एक दिवाली क्रैकर साबित हो जाए, लोगों के लिए बहुत पसंद आए और दिवाली पे हाई ऑन डिमांड चली जाए बाइक. हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. वैसे भी क्लासिक 350 तो ऑलवेज ऑन द डिमांड है ही है रॉयल एनफील्ड की. और बाकी तो कुछ नहीं है, सनसेट के मजा उठाए जा रहे हैं. हमारे यहाँ सनसेट अच्छा खासा दिखता है, थोड़ा पहाड़ वाड़ है, दिवाली की साफ सफाई अभी तक चल रही है, पता नहीं कब ख़त्म होगी, दिवाली आने तक ख़त्म होगी या नहीं. इन्होंने क्या कचरा करा है यहाँ पे. ये बिल्डिंग बनी तो बनी, यहाँ पे ये इतना ये क्या सीमेंट वगैरह, ये जाएगी भी नहीं. हम बैठे कहाँ पे, कहाँ बैठे हम बताइए ठेकेदार साहब, बैठे कहाँ, कहाँ गए. यहाँ से ऊपर चढ़ के देखते हैं. ओ ये घर इतना ऊपर बन गया, मुझे ध्यान नहीं था यहाँ पे ऊपर और बन रहा है ये. अब क्या होगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे ऊपर खड़ा हूँ. पहले इतना ऊपर था नहीं, अब बहुत ऊपर उड़ गया है, ऑलमोस्ट बन चुका है प्लास्टर वगैरह पियो वो बाकी सिर्फ. और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी यार, अच्छी नहीं लगी तो भी एक बार तो यार लाइक बनता है, ज़रूर बनता है. तो लाइक करते हुए जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन वो जो घंटा है ना उसको भी दबा देना, एकदम ऐसे टिंग करके दबना चाहिए, आराम से आवाज़ आनी चाहिए. आगे चलता रहेगा, दिवाली आ रही है, 8 नवंबर आज हो चुकी है, एक हफ्ते में दिवाली है. लेकिन मानो एक हफ्ते में दिवाली है, पता ही नहीं पड़ रहा है दिन कैसे निकल रहे हैं, ऐसे शर्ट 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 करके दिन निकल रहे हैं, पता ही नहीं पड़ रहा है. और अच्छा वो सामान वामान खरीदे कि नहीं खरीदे दिवाली के लिए, जाओ यार खरीदो सामान वगैरह. साइनिंग ऑफ, दिस इज दीक्षांत जितारा, प्यार आप सभी का, दुआ में याद रखना बस, और तो क्या, सब्सक्राइब कर देना, दुआ में ज़रूर याद रखना. और बस जय राम जी की, जय श्री कृष्णा, विदा लेता हूँ आपसे, खमा करता.